तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम पिवट टेबल रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस को पढ़ रहे हैं। दूसरा पार्ट है, उसी पार्ट टू को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम डेटा ओपन करते हैं अपना। कल की क्लास में हमने बताया था कि हम इस डेटा को समराइज कैसे करते हैं, किस तरह से हम डेटा की समरी बनाएंगे, राइट? जी। तो डेटा की जो समरी, अब बोलिए। स्क्रीन शो नहीं हो रहा। क्या बोले सर? स्क्रीन शो नहीं हो रहा। एक मिनट, आपको हो रहा है सर? जी सर। हेलो। हाँ, अब सो रहा है सर। आपकी लग रहा है इंटरनेट की प्रॉब्लम है सर, इसलिए नहीं हो पा रहा है। हाँ, थोड़ा सा आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है, इसका मतलब है कि आपका नेट स्लो है। मेरे एंड से प्रॉब्लम होगा तो सबको प्रॉब्लम होगा। कोई नहीं सर, अब दिख रहा है, सो हो रहा है बस। तो ये मैंने डेटा ओपन किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब तक डेटा नहीं है तब तक पिवट नहीं है, तो यहाँ हमने इंसर्ट कर दिया अपना पिवट टेबल। तो पिवट टेबल में हमने कल बताया था आपको कि हम जो है कैसे रो को, कैसे कॉलम को, वैल्यू को यूज करते हैं। आज हम इसी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मान लीजिए कि हमने कोर्स वाइज अपना रिपोर्ट लिया, या नेम वाइज अपना रिपोर्ट हमने लिया और क्वांटिटी को यहाँ पर रखा, तो डेटा कुछ इस तरह से आता है। अब इसको अगर बात करते हैं हम सॉर्टिंग की, इसको हम सॉर्ट कैसे करेंगे। तो सॉर्ट करने के लिए, अगर आपको सॉर्ट करना है नेम के अकॉर्डिंग, तो उस पर कर्सर रखिए, राइट क्लिक कीजिए और यहीं पे आपको दिख जाएगा सॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए, यहीं से सॉर्ट आप कर सकते हैं। अगर आप नंबर अकॉर्डिंग करना चाहते तो कर्सर नंबर में रखिए, सॉर्ट उसी तरीके से होगा। लेकिन जब प्रॉब्लम होती है, जब दो आएगा, जैसे मान लीजिए हमने नेम के नीचे हमने एरिया रख दिया, या एरिया के नीचे हमने नेम रख दिया। अब हम देखिए, अगर हमने सेंट्रल के पे कर्सर रखा और शॉर्ट किया, जितने सेंट्रल है, जितने जोन है आपके एरिया है, वो शॉर्ट होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि किसी नेम के ऊपर कर्सर रख के फिर शॉर्ट किया हमने, तो क्या होगा? सिर्फ नेम शॉर्ट होगा, जो हमारा जोन है ना, वो जैसा है जहाँ वहीं पर रहेगा। ठीक है सर, ये शॉर्ट हो गए। लेकिन शॉर्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका इसके हिसाब से शॉर्ट होता है, इसके लेटर्स के हिसाब से या फिर नंबर्स के हिसाब से शॉर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आती है शॉर्ट में, कि आपके पास अगर शॉर्ट नहीं करना, आपको अरेंज करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि पंकज हमेशा टॉप पर है, पंकज हमेशा टॉप पे, तो उसके दो तरीके। एक तो आप इस पर पंकज से लेके जाओगे और सबसे टॉप पे उठा कर रख दोगे, पंकज सबसे टॉप पे चला जाएगा, पूजा सबसे टॉप पे चला जाएगा। अगर आपको माउस पे दिक्कत हो रही है, तो आप यहाँ ए भी कर सकते, राइट क्लिक और मूव, मूव में पूजा शर्मा फॉर बिगिनिंग, आप डाउन लेफ्ट, इस तरह से इसको कर सकते हैं। अच्छा, जो काम हम वर्टिकली कर सकते करते हैं, वही काम आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर एरिया को उठा के कॉलम में रखा, तो यहाँ भी आप शॉर्ट जो है कर सकते हैं, कि आप शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए कॉलम वाइज कर सकते हैं, और मूव भी। जैसे मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल सबसे पहले आए, क्लिक कीजिए, फिर पूरा कॉलम उठ के जा रहा है, या फिर राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, शॉर्ट, यहाँ पे मूव, बिगिनिंग, आप और बाकी चीज़ें भी आती है। तो ऑप्शंस एज पर जो सिलेक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन अपना कमेगा और बढ़ेगा। ठीक है सर,
आपको शॉर्टिंग और मूविंग दोनों समझ में आ गया? अब बात करते हैं फिल्टर की। देखिए फिल्टर, जैसे मान लीजिए आपके पास सामने डेटा आया, आप चाहते हैं कि पूरा डेटा ना उठाया जाए, कुछ कुछ डेटा दिखाया जाए, तो यहाँ फिल्टर का कॉलम वैसे बनेगा आपको, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही अपने हिसाब से यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं। जिस पर टिक का निशान होगा वो आपका बाहर दिखेगा, जिसका निशान आप हटा दीजिएगा वो वहाँ पर नहीं दिखेगा। बहुत बड़ी लिस्ट है तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हो और यहाँ पे कंडीशन भी दे सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने सिलेक्ट ऑल करके सिर्फ पंकज, पूजा और मोहन पे क्लिक किया, ओके किया, तो आप देखेंगे पंकज, पूजा और सिर्फ मोहन का डेटा आएगा, बाकी डेटा यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन उसी में कंडीशन देना चाहते हो, मुझे यहाँ पे अगर जैसे कि इक्वल कोई पर्टिकुलर नाम डज नॉट इक्वल विगेन बीज, अपने डेटा में क्या है कि पूजा भी है पूजा सिंह भी है, तो मैंने बिगेन विद पूजा कर दिया, तो आप देखेंगे कि पूजा और पूजा सिंह दोनों का डेटा यहाँ पे विजुअल होगा, बाकी डेटा विजुअल नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशंस भी ले सकते हैं। तो इसमें लेवल है और वैल्यू है। अगर आप लेवल करते हैं तो जो आपके नेम थे, नेम था, उस नेम के अकॉर्डिंग आपका फिल्टर होगा, और इसमें बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा। अब वैल्यू की बात करें तो वैल्यू पे नंबर, जो नंबर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होता है। तो जैसे मुझे मान लीजिए टॉप थ्री चाहिए, तो मैं यहाँ पे टॉप थ्री और यहाँ टेन को थ्री कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं, तो आपके टॉप थ्री आ गए। ठीक है सर। और जो फिल्टर आप रो वाइज लगाते हो तो उस तरह आप कॉलम वाइज भी लगा सकते हो। किसी पर्टिकुलर कॉलम का डेटा नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा सकते हो फिल्टर में, वो कॉलम डेटा आपका विजुअल नहीं होगा। और इस पर भी आप ये सारे फिल्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो दो फिल्टर हो गए, रो एंड कॉलम। तीसरा फिल्टर आता है पेज फिल्टर। जैसे मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा रिपोर्ट पे एक कोर्स वाइज फिल्टर लग जाए या मंथ वाइज लग जाए, तो मैंने कोर्स को यहाँ रख दिया, मंथ को यहाँ रख दिया, ऐसे और भी चीज़ें रख सकते हैं आप। और यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए मुझे अप्रैल का डेटा चाहिए, अप्रैल पे क्लिक किया, तो क्लिक करते हैं आप देखेंगे सिर्फ अप्रैल का डेटा आएगा, ओवरऑल डेटा नहीं आएगा। तो अप्रैल में भी मान लीजिए एक्सेल का कोर्स चाहिए, ओके कीजिए, तो अब देखिए एक्सेल का कोर्स नहीं है तो नहीं आया। वीवीए चाहिए, वीवीए ले सकते हैं। आप मल्टीपल कोर्स है तो यहाँ से आप मल्टीपल कोर्स भी चूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सेलेक्ट मल्टीपल आइटम पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आप अपनी मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दो टॉपिक यहाँ पे हमने ख़त्म किया, पहला हमने सॉर्टिंग एंड मूविंग किया, दूसरा हमने फिल्टर किया। दोनों समझ में आ गया आपको? जी। कोई डाउट आप लोगों को? अब हम इस पर बात करते हैं ग्रुपिंग की। अब मान लीजिए मैंने एरिया हटा दिया और ये बाकी फिल्ट्रेशन भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हालांकि जरूरी नहीं है, आप हटा सकते रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूजा हो गया, पूजा शर्मा, पूजा सिंह, पूजा के आर शर्मा, अब ये सब एक पूजा का ही सेल है। मैं चाहता हूँ कि तीनों का इकट्ठा एक जगह पर टोटल दिखे, और ये चीज़ हम डेटा में छेड़छाड़ नहीं करना चाहते क्योंकि डेटा किसी और सॉफ्टवेयर से, डेटाबेस से लिंक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ हम इसको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन पूजा एक ऊपर भी है तो यहाँ कंट्रोल दबा के हम ऊपर वाले को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो जिसको इसको सिलेक्ट करना है आप शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ, बस सिलेक्शन होनी चाहिए, चाहे जैसे करें उसे प्रॉब्लम नहीं है। फिर राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और कीजिए ग्रुप। ग्रुप करते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे पूजा डबल डबल आ गया, यहाँ पे नेम और नेम टू भी आ गया। तो नेम टू को रहने दीजिए और नेम को यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा तो सिंगल आएगा। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप वन आ गया। तो यहाँ पे हम अब दिक्कत यहाँ भी है कि पूजा भी यहाँ पे आ गया, तो कंट्रोल जेड, पंकज सिलेक्ट, हाँ पंकज सिलेक्ट हो गया था। तो दोबारा हम कंट्रोल जेड कर लिए हैं, दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, सॉरी पंकज फिर सिलेक्ट हो गया इस और ऊपर हम पूजा रहेगी, पूजा।
कंट्रोल के साथ हमने फुल या माउस लग रहा प्रॉब्लम हो गया क्या इसमें तरीके माउस चेंज करना पड़ेगा सर लग रहा है कंट्रोल पे इसके आप सही है ठीक है राइट क्लिक एंड ग्रुप ग्रुप यहाँ पे ग्रुप वन आ गया यहाँ से नेम और नेम टू पे नेम पुराना है इसलिए हटा दिया नेम टू हमारा नया है इसलिए रख लिया और एक ग्रुप पे से मैंने कल बताया था कि इसकी डली गई वैल्यू को रो लेवल की जो वैल्यू होती है उसको चेंज कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पूजा और इस तरह से आप कर सकते हैं तो ये आपका टेक्स्ट ग्रुपिंग आ गई टेक्स्ट ग्रुपिंग के बाद हम बात करते हैं नंबर ग्रुपिंग की जैसे कि मैंने यहाँ MRP को रख दिया यहाँ पे तो 10 रुपये का 526 बिका है 11 रुपये का 448 पीस बिका है 12 रुपये का 810 पीस बिका है 13 रुपये का ऐसे बिका है तो ऐसे सर देखने में तो दिक्कत होगी ना सर एक स्लैब होना चाहिए ना कि 10 से 20 20 से 30 30 से 40 या 100 100 से 200 1 से 1000 1000 से 2000 1 से 10000 10000 से 20000 क्या तो वो आप जो है रो में जिस पे जिसको ग्रुप करना चाहते हो उसको यहाँ रख दीजिए और राइट क्लिक कीजिए सेम ग्रुप पे जैसे ग्रुप पे कीजिएगा आपका मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ आ जाएगा अभी बाय डिफॉल्ट आ रहा है बट यू कैन चेंज हियर जैसे मैंने यहाँ पे 0 से लेके 100 कर दिया है ठीक है और ग्रुप कितना का चाहिए 10-10 का चाहिए इसको सिलेक्ट करके एंड ओके कर दिया आ गया तो ग्रुप समझ में आया आपको जी इस तरह से नंबर ग्रुप कर सकते हैं नंबर ग्रुप के बाद बात आती है डेट ग्रुप की जब किसी डेट को रखते हो तो ऑटोमेटिकली ईयर वाइज ग्रुप हो जाता है ईयर को एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका क्वार्टर इसको एक्सपेंड करेंगे तो मंथ मंथ को एक्सपेंड करेंगे तो डे इस तरह से होता है तो राइट क्लिक करके मैं इसको पहले कर देता हूँ अनग्रुप ताकि डेट सारा आ जाए और आप अपने हिसाब से ग्रुप कर सकते हो जैसे मेरे ग्रुप करना है मुझे ईयरली और मंथली के हिसाब से तो ईयर और मंथ दोनों को सेलेक्ट कर ओके कर दिया तो कुछ इस तरह से आ गया अब यहाँ से ईयर को उठा के मैं कॉलम में भी रख सकता हूँ ताकि मुझे ईयरली और मंथली सेल्स का एक पैटर्न बन के आ जाए राइट सर ठीक है ये आप ईयर को भी उठा के यहाँ रख सकते हैं इस तरह से जैसा मर्जी वैसा रखना चाहो रख सकते हैं अब यहाँ पे ग्रुप करके आप मान लीजिए मुझे मंथली करना है तो मंथली सिर्फ कब नहीं कर पाएंगे जब ईयरली कई सारे ईयर का डेटा हो तो मंथली सही नहीं होता है लेकिन मुझे मान लीजिए कि 15-15 दिन का चाहिए 15 डेज का तो डेज को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ डेज को और ये देखिए नंबर ऑफ डेज 1 है तो यहाँ पर 15 कर दीजिए या फिर 30 कर दीजिए जो भी आप देना चाहते हैं डेज दे दीजिए ओके करते हैं आप देखेंगे उसी डेज का आपका रिपोर्ट बना है तो ये आपकी ग्रुपिंग थी समझ में आया आप लोगों को जी तो आज हमने बात की सॉर्टिंग मूविंग फिल्टर्स ग्रुपिंग क्लियर है आप लोगों को जी अगला पार्ट आता है कैलकुलेशन का कैलकुलेशन अब देखिए क्या होता है कि हम पिवट आपके पास चलो यहाँ पे MRP अमाउंट कैलकुलेटेड है लेकिन बहुत सारे जगहों पे कैलकुलेटेड नहीं होता है मान लीजिए मुझे कंट्रीब्यूशन दिखना है मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और मान लीजिए मैंने कोर्स वाइज यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल निकाला हुआ अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि किस कोर्स का टोटल नंबर ऑफ क्या कंट्रीब्यूशन है मैं परसेंटेज कितना है कि हाँ मेरा टोटल सेल में एक्सेल जो है वो 30% का सेल होता है VVA जो है वो भी 31% का सेल होता है MS ऑफिस का सेल जो है कम है समझ आ रहा है बात को तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे भी कैलकुलेशन और बाकी और जगह भी कैलकुलेशन होती है और अपनी कैलकुलेशन हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंड ओके करके देखिए आपका आ गया कि 12.484848
7-3 और 3-3-6 का ये आपका गैप कंट्रीब्यूशन हुआ। तो ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है हम आपके साथ कल डिस्कस करें, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।